हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप कहीं पर भी आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक रेस्टोरेंट की स्टेयर्स हैं, तो इसको हम अभी एक मेकओवर देंगे। इस पर आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉल कर आप स्टेयर्स की कंडीशन देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक मार्बल का पीस निकल गया था, तो हमने इसको POP से फिल कर दिया ताकि एक लेवल पर आ जाए और आर्टिफिशियल ग्रास इस पर आसानी से इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद हमने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पूरा रूल होता है आर्टिफिशियल ग्रास का, उसमें से जो भी जहाँ पर भी हमें लगानी है आर्टिफिशियल ग्रास, लेट्स से यहाँ पर हमने स्टेयर्स पर लगानी है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के उसमें से पीस कट कर लिया। एंड चिपकाने के लिए हमने क्या किया कि उसकी बैक साइड पर एडहेसिव अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेयर्स पर भी हमने एडहेसिव लगाना चालू कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही तरीके से एडहेसिव लगाएं ताकि जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो। पूरी वीडियो में आप यही देखोगे कि कैसे हम जो ग्रास है उसको कट करते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं। तो पेस्टिंग के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने पीस कट किया था वो अब हम पेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आराम से प्रेस करके और उसकी पेस्टिंग होगी। जो भी एक्सेस पार्ट होगा, जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो भी एक्सेस पार्ट होता है वो कट किया जाता है। पहले तो इसको हम पेस्ट कर रहे हैं। एक जो ये वुडन का पीस है, इसकी मदद से प्रेस किया जा रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते थे कि ग्रिल बीच में आई थी, तो उसको उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इस कटर की मदद से उसको कट कर दिया एंड देन इसके आसपास अब हम पेस्ट कर देंगे। तो जो भी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। तो ऑलमोस्ट ये वाली जो साइड है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बची है सिर्फ, उसमें भी हमने सेम तरीके से पेस्ट कर दिया। जो एक्सेस पार्ट है उसको कट करके एंड देन उसको प्रेस करके पेस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट था, तो हम इसको कट कर देंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारी फर्स्ट स्टेयर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हमने सेकंड स्टेयर भी कंप्लीट कर दी थी। पहले पीस कट किया एंड देन उसको पेस्ट कर दिया। नाउ वील रिपीट द सेम प्रोसेस। हमने पीस को कट कर दिया था एंड देन उसकी पेस्टिंग के लिए पहले बैक साइड पर हमने एडहेसिव लगाया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने स्टेयर्स पर एडहेसिव लगाया अच्छे से एंड देन उसको अब प्रेस कर हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है देखा जाए तो। अगर किसी को लगता है कि वो खुद इंस्टॉल कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक एडहेसिव का डब्बा चाहिए होगा या जितना भी एडहेसिव लगेगा, आप एडहेसिव ले जा सकते हैं हमारी शॉप से और आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी हमारे यहाँ अवेलेबल है सिर्फ दिल्ली NCR में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चार स्टेयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। फाइनल लुक काफ़ी अच्छा लगता है और उतना महंगा भी नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली इसका खर्चा जो आया था वो आया था 5,500 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, लेबर, एडहेसिव, सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली इतना ही खर्चा आया था, 5,500 रुपीज़। बाकी जो भी एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है क्वालिटी टू क्वालिटी प्लस कितना छोटा या बड़ा एरिया है। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इतना एरिया कवर करने के लिए 5,000 से 6,000 के बीच में खर्चा आता है। अगर आपको सर्विसेज चाहिए आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉलेशन की तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये काम ख़त्म हो चुका है। आपको फाइनल लुक कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट कर बता सकते हैं। बस एक जो सबसे नीचे वाली फर्स्ट स्टेयर है, जिसे हम कह सकते हैं, वो बची है। आप जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस पार्ट था, जो इसको वेस्टेज कह सकते हैं हम, तो इसको अब हम कट कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी वी आर डन विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड अवर वर्क। बाहर एक खाली एरिया था तो उसमें हमने क्या किया, एक कारपेट बिछा दिया ब्लू कलर का एंड उसके ऊपर एक डोरमैट लगा दिया था रेड कलर का, तो इसका जो ओवरऑल लुक था वो एनहेंस हो गया था पूरे रेस्टोरेंट का।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना कैसा लगा, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।